दफ्तरों में संघ की शाखाएं लगती रहेंगी। सर ये बताइए कि संघ की अपनी एक सोच है ना, एक विचारधारा है ना, सरकारी दफ्तर में विचारधारा को आप स्थापित करके क्या करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ? बार बार इतिहास में ये कर दिया, वो कर दिया, उसका कर दिया, उसका दबदबा दिखा दिया, आप भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप इतिहास आप पर भी लगाएगा, आपके माथे पर ये कलंक होगा। अंजना जी, हमारी विचारधारा है, पर वो विचारधारा क्या है अभी तो समझना चाहिए। अभी भदौरिया जी भी कह रहे थे कोई काम बताएं। मैं आपसे पूछता हूं, वनवासी क्षेत्रों में ट्राइबल एरिया में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन कौन है? वनवासी कल्याण आश्रम जो संघ का है। दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है? सेवा भारती जो संघ का है। कोई एक संस्था बताइए जिसके सबसे ज्यादा स्कूल हो, 30,000 स्कूल पूरी दुनिया में किसी एक संस्था के नहीं है, विद्या भारती जो संघ का है। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का है। सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद संघ का है। यही तो लोगों को पता नहीं, संघ के लगभग 3,500 प्रचारक हैं। सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी में केवल 80 या 90। सुधांशु जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं संघ के समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का अंश कितना है और किस विचारधारा से काम कर रहा है और इस विचारधारा का प्रयास क्या रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ अंजना जी। हाँ, मैं एक सुधांशु जी, मैं जवाब दे, बार बार कहते हैं ये कोई नहीं जानता सर, लेकिन मेरे ही शो हल्ला बोल में प्रतिबंध लगाया आपने संघ के काम पर। सर कम से कम यही बात 100 बार बताई होगी, सब जानते हैं। मेरा सवाल तो आप समझे ही नहीं सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर, इसीलिए सुनिएगा ना, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या संघ सरकार का हिस्सा है? देखिए अब इससे बेसिक मैं इसको नहीं कोट कर सकती हूं, क्या संघ सरकार का हिस्सा है? जितना स्पष्ट और ब्लैक एंड व्हाइट में मेरा सवाल है उतना ही स्पष्ट और ब्लैक एंड व्हाइट में अपना जवाब दीजिए, क्या संघ सरकार का हिस्सा है? संघ जिस विचार को लेकर चल रहा उसमें सरकार और सत्ता बहुत छोटी चीज है। सत्य यह है कि सरकार के अनेक गणमान्य व्यक्ति जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और अनेकानेक मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा रह चुके हैं और उसकी राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित रहते हैं। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में आपको जवाब दिया और ये वो विचारधारा है कि जिन जवाहरलाल नेहरू ने हम पे प्रतिबंध लगाया, जब चीन का युद्ध हुआ तो हमने इस कदर साथ दिया कि उन्होंने हमारी भूरी भूरी प्रशंसा की और 63 में 26 जनवरी को बुलाया हमको। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध के समय जो संघ की भूमिका देखी तो गुरु गोलवलकर जी को सर्वदलीय बैठक में बुलाया। जयप्रकाश नारायण जी ने 1970 के दशक में जो संघ के बारे में बोला, महात्मा गांधी ने वर्धा के शिविर में जो संघ के बारे में बोला, डॉक्टर अंबेडकर ने 1947 जो संघ के बारे में बोला, वो सारी बातें जान लीजिए। और पीवी नरसिम्हा राव की तो इतनी नजदीकी थी कि ये लोग ये कहते थे कि उनकी तो धोती के नीचे हाफ पैंट है। और आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने अभी 2018 की बात कह रही थी ना, अरे 17 में क्या बोला सुन लीजिए। समस्या राजनीतिक विचारधारा में नहीं है, राहुल सोनिया की कांग्रेस में है। चलिए, महात्मा गांधी की कांग्रेस और लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस और पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस तक वो समस्या नहीं थी जितनी राहुल सोनिया कांग्रेस।